जय हिंद। दिल्ली छावनी परिषद से बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली हुई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, जहां पर हिंदी टाइपिस्ट की अनुमंडल अधिकारी की कनिष्ठ हिंदी अनुवादक भर्ती 2021 निकल गया है। दिल्ली से ये वैकेंसी है। JST, SDO और हिंदी टाइपिस्ट की ये रिक्वायरमेंट है। फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, कितनी फीस है, कितना इसमें पोस्ट है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहीं पर आप आएंगे और इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप पहुंच जाइए। यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, आप रिक्रूटमेंट पर क्लिक कर लें। जैसे ही रिक्रूटमेंट के क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, क्लोज करें और सबसे टॉप पर ही रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर JHT सब डिविजनल ऑफिसर Grade 2 और हिंदी टाइपिस्ट की ये वैकेंसी है। अब बगल में इसके यहीं पर क्लिक हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है क्योंकि इस फॉर्म के बारे में देखना है। तो यहाँ पर डिटेल आपको इंग्लिश में मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट का और हिंदी में भी। तो मैं दोनों के ऊपर वन बाई वन क्लिक कर देता हूँ ताकि दोनों में सहूलियत हो जाए, क्योंकि ये इंग्लिश में है तो जिसको इंग्लिश की भाषा में समझ में ज्यादा अच्छे से आता है वो इसे रीड कर सकता है, और जिसे हिंदी भाषा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है वो इसे रीड कर सकता है। तो मुझे हिंदी भाषा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है तो मैं इस पे बात कर लेता हूँ। सबसे ऊपर टॉप पे देखेंगे, यहाँ पद का नाम है और रिक्तियों की रचना देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी आयु निर्धारित की गई है, 15/1/2022 से आपकी आयु गणना होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी देखी जाएगी एज कितनी है। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की ये वैकेंसी है और सैलरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सैलरी भी आपको दिया हुआ है, 9,300 लेके 34,000 तक आपकी ये सैलरी देने वाले हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर रिक्त कुल पद है 7, जनरल के लिए 5 है, OBC के लिए 0 है और SC/ST के लिए 0 है, और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 2 है। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी पढ़ सकते हैं जिसकी आयु रखी गई है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 वर्ष। क्लियर। अब यहाँ पर उपमंडल अधिकारी, यहाँ पर देखिए उपमंडल अधिकारी की वैकेंसी है, 89 टोटल पोस्ट है और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर रीड कर ले। इसमें 18 से 27 वर्ष रखा गया है एज। तीसरी हिंदी टाइपिंग यानी कि हिंदी टंकण, इसमें 5,200 से लेके 20,200 रुपए आपकी सैलरी हो सकती है, सैलरी भी आप देख सकते हैं। एक पद है वैकेंसी, आप कैटेगरी वाइज देखिए 18 से 27 वर्ष आपकी एज रखी गई है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें। अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए दो तीनों पोस्ट की आपके पास क्वालिफिकेशन। तो उपमंडल अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक हाई स्कूल आप पास आउट होना चाहिए और इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, ड्राफ्टमैनशिप आपके पास सिविल में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान का कम से कम 2 वर्षों का डिप्लोमा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब हिंदी टंकण हेतु शैक्षणिक अर्हता देखिए क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड से मैट्रिक या फिर समकक्ष परीक्षा, मैट्रिक मतलब हाई स्कूल आप पास आउट हो या उसके समकक्ष, उसके अलावा उसके साथ क्या आपके पास होनी चाहिए, हिंदी टंकण में कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए, यानी हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट हो। कनिष्ठ हिंदी के लिए भी आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि इसमें परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 200 अंकों की लिखित परीक्षा होने वाली है, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, तो 2 घंटे का समय मिलेगा। इसी तरह उपमंडल अधिकारी का पढ़िए और हिंदी का भी नमूना आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं 7वें नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ओबीसी में 3 साल की छूट है, SC/ST में 5 साल की छूट है, शारीरिक विकलांग 10 साल, और ये भी जितने भी कैटेगरी है इसके साथ आप पूरा रीड करें कि आपको कितने साल की छूट मिलेगी। तो कैटेगरी वाइज भी आपको छूट मिल रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए आवेदन क्या है, आवेदन को देखिए, यहाँ पर आवेदन नीचे है जो कि ये ऑफलाइन फॉर्म है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं वर्बली बता दूं कि एक फॉर्म के अंदर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल करना है, इसका फॉर्म भी दिया हुआ है नीचे, उसका PDF फॉर्म में आप सब कुछ भरें, साथ में सारा सब कुछ भरने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या लिफाफे के अंदर जिस भी कनिष्ठ अनुवादक या फिर जो भी पोस्ट आप लिख रहे हैं आपको क्या है, इस एड्रेस के ऊपर आपको पुणे में महाराष्ट्र, ये जो आपको ये एड्रेस दिया हुआ है प्रधान निदेशक रक्षा संपदा दक्षिण कमान ECHS पॉलिटेक्निक के पास कोढ़वा मार्ग पुणे महाराष्ट्र 411040, ये इसका पिन नंबर है, इसी के ऊपर ये एड्रेस, हालांकि जिस एड्रेस पे आपको भेजना है ये एड्रेस वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां पर नोट करके आपको फॉर्म को भर के फुलफिल कर देना है। अब देखिए और यहाँ पर क्या है, देखिए 20वें नंबर पर अगर आप आके देखेंगे तो, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण जानकारी ही देने वाला हूँ। देखिए 10 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर आकार के देखिए एनवेलप होने चाहिए। एक एनवेलप के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट डालना है। डॉक्यूमेंट के साथ में आपको क्या करना है, 10 रुपए का आपको स्टैम्प पेपर भी डालना है। प्रत्येक डाक टिकट जो है 10 रुपए का डाक टिकट भी डालना है, ताकि आपका एडमिट कार्ड वगैरह उसी डाक टिकट के माध्यम से आपको रिसीव होगा। तो ध्यान रखिएगा 10 रुपए का डाक टिकट के साथ आप एक दो एनवेलप अंदर डाल दीजिएगा। उसके साथ आप अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि एक आवेदन के ऊपर चिपकाया हुआ होना चाहिए और एक संलग्न होना चाहिए, क्योंकि वो आपके एडमिट कार्ड में लगेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, छोटी छोटी जानकारियां जिसे आप पढ़ लें। अब देखिए यहाँ 26 नंबर पर है, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15/1/2022 तक आप फॉर्म को देखिए भर के भेज दें। ये कुछ सिटीज या कुछ प्रदेश के नाम है, जैसे असम है, मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो इस टाइप के जितने भी शहर हैं, इनको कम से कम 2 हफ्ते का यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा समय मिलेगा, बाकी प्रदेशों को नहीं मिलेगा। तो आप 15/1/2022 से पहले आप अपना आवेदन को सेंड कर दें। समान अंक प्राप्त मामला समाधान, ठीक है। इसके अलावा आवेदन शुल्क एवं भुगतान, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 200 रुपए आपको देना पड़ेगा, जिसका डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है किसके थ्रू, तो प्रधान निदेशक रक्षा संपदा दक्षिण कमान पुणे के पक्ष में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे, ठीक है। 200 रुपए शुल्क आपको देना है, जिसका डिमांड ड्राफ्ट आपको कर देना है। और उसका जो रिसिप्ट होगा वो भी, उसकी फोटोकॉपी भी आप उनको भेज देंगे तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसको हालांकि आप यहाँ पर एक बार नोट आउट कर लें, मैं 2 मिनट के लिए होल्ड कर देता हूँ। नीचे आइए देखिए, तो कुल मिला के ये इसकी इम्पोर्टेंट ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन है, इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस फॉर्म को भरना है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप यहाँ से फॉलो करें। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर फॉलो करके कोई भी क्वेरी करें, नई नई जॉब की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।